64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्वालिटीज से पहले हम पहले देखें क्वालिटीज मतलब क्या होता है। अच्छी क्वालिटीज क्या क्या है कोई बताएगा? कैसी क्वालिटीज होती हैं जो हम लोग भी एस्पायर करते हैं हमारे अंदर आ जाए? इस संसार में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, अच्छी क्वालिटीज? कैन यू नेम सम ऑफ द क्वालिटीज? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दया, क्षमा, कंपैशन, दया, अभय, हाँ, फियरलेस होना, रेस्पेक्ट। तो भगवान के गुण कितने हैं? अनलिमिटेड है या 64 है? तो ये तो फिर गलत बात होगी ना। अनलिमिटेड है, भगवान भी अनंत शक्ति है, उनके गुण भी अनंत है, तो ये तो फिर कैसे हो गया, है ना? तो तभी हम, सॉरी माता जी, हाँ, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। यस, तो इसको हम समझेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक हम लेंगे, ये वाला। तो मेरे पीछे बोलेगा, बहुत ही प्यारा श्लोक है। अनंत कृष्ण गुण 64 प्रधान, एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। अनंत कृष्णा गुण, कृष्ण के गुण कितने हैं? 64। उसमें प्रधान कितने हैं? 64। क्लासिफाई कर किया आचार्यों ने, 64 प्रधान है। फिर क्या है? एक एक गुण सुनी, एक एक गुण सुन के जुड़ाए भक्त कान। भक्तों के कान क्या है? सेटिस्फाई होते हैं। तो भक्तों की पहचान है जो भगवान के गुणगान सुनते हैं, वो गुण सुनते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो उनको क्लासिफाई किया हुआ है मुख्य 64। गुण तो अनंत है बट क्लासिफाई कर रखा है। अच्छा, हमारे रूप गोस्वामी आचार्य, उन्होंने क्लासिफाई किया 64 गुण। गुण तो अनंत है। तो ये श्लोक बंगाली में है एक्चुअली। अब एक्चुअली क्या होता है, अब आप देखा होगा, हम लोग मूवीज देखते आए हैं बचपन से, कई सारी मूवीज हैं और कई सारी LED, कई सारी हम लोग वो करते हैं। बाहर जो मूवीज में किसका गुणगान होता है? हीरो हीरोइन का करता है, हीरोइन हीरो का करता है। हम देखते हैं, कहते हैं चंदन सबदन चंद, क्या था, त्रिभुवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, है ना, एंड सो ऑन, मुझे दोष न देना, गवाल हो, एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए, क्लियर है, उसमें हम लोग गुणगान तो कर रहे हैं बट हमने ऑब्जेक्ट गलत ले लिया। नेचर है सबकी गुणगान करने की बट हमने ऑब्जेक्ट गलत लिया, उस वजह से क्या है, उसका बदन हमेशा तो वैसा होगा नहीं, चंदन सा सूख जाएगा, संसार में हर चीज सूखती है, उसका मुस्काना भी हमेशा वैसा नहीं रहेगा। कुछ सालों तक अच्छा लगता है, फिर वो भी सूख जाता है, वो भी बुरा लगता है, है ना, हर चीज़ ड्राई अप हो जाती है संसार में। तो हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो चीज़ परमानेंट नहीं है, इसकी वजह से हमारा संतुष्ट मन नहीं हो। यहाँ पे क्यों बोला है जुड़ा है भक्त कान, वो सेटिस्फाई क्यों जाते हैं? क्योंकि कृष्णा इज एक्चुअली, उनका स्माइल दिव्य है, उनका रूप दिव्य है और वो एवर फ्रेश है। क्या है वो कभी सूखते नहीं है समय के साथ। 5000 साल पहले अर्जुन को गीता बोली, वही कृष्ण है, वो कृष्ण अभी भी है, वो कृष्ण कभी सूखते नहीं है। तो दुर्भाग्य है, सारा बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, सब एक दूसरे का गुणगान करने में लगे। और तभी देखिए, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड्स, रेप केसेस, थेफ्ट, रॉबरी, पॉलिटिक्स, सब इसमें, क्योंकि जो चीज़ है नहीं वहाँ पे आप सुख ढूंढ रहे हो। जहाँ पे सुख है नहीं वहाँ पे आप सुख ढूंढ, तो ढूंढने का सुख जो सही जगह है वो क्या है? भगवान है। तो इसे जब भक्त गुणगान करते हैं भगवान का, तो भक्तों के और खुशी का अनुभव होता है, भक्तों को और संतुष्टि का अनुभव होता है। करीब 1000 साल पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य का नाम सुना है सबने? ये एक महान आचार्य हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति का प्रचार किया। श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य। उनके समय की बात है, तभी श्रीरंगम में ये मेन वहाँ के आचार्य थे। श्रीरंगम साउथ में टेम्पल है, रंगनाथ जी की पूजा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, श्रीरंगम में रंगनाथ जी को बाहर लेके शोभा यात्रा निकालते हैं। जैसे हम लोग जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं, वो लोग रंगनाथ जी को लेके क्या निकालते हैं? शोभा। तो रंगनाथ जी को लेके शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और सब लोग रंगनाथ जी का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, सब आनंद में, और सब लोग रंगनाथ जी के सुंदर से दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ भी हैं। अब वहाँ पे बीच में कुछ, ये सारी भीड़ में कुछ अलग सा भी दिखा हो रहा था। एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी के साथ ऐसे जा रहा, छाता डाल के उसके ऊपर जा रहा था और उसकी आंखों में पूरा एब्जॉर्ब था, पूरा खोया हुआ था। तो इसका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था इसका? तो रामानुजाचार्य को लगा, यार
ये ऐसा क्यों कर रहा है सब लोग कृष्ण, तो इसका रामानुजाचार्य को लगा, जब भक्तों को लगता है कुछ ऐसा हो रहा है तो उनको लगता है हमें कृपा देनी चाहिए, तो उन्होंने पूछा धनुर्दास तुम ये क्यों कर रहे हो यार, हर कोई तो भगवान के रूप रंग को देख के मोहित है आनंद में, तुम अपनी पत्नी को देख के इतने ज़्यादा मोहित क्यों? तो इसने पता है क्या बोला धनुर्दास ने, इसने बोला मेरी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, मैं एक समय भी अपना वेस्ट नहीं कर सकता कि उसको ना देखूं मैं, इतनी सुंदर है। पत्नी तो सभी को सुंदर ही लगती है, आई मीन आप लोगों को अनुभव होगा हस्बैंड अच्छे लगते हैं, बट हस्बैंड को अनुभव होता है कि पत्नी है ना, तो वो पूरा एब्जॉर्ब था अपनी पत्नी की आँखों को देखने में, एंड ही वॉज कम्प्लीटली मैसमराइज जैसे आप देख रहे हैं, एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल, उसका नाम भी था, उसका नाम था हेमंबा, वेरी ब्यूटीफुल लेडी, जैसे ऐश्वर्या राय कोई आ जाए दुनिया पागल है उसके लिए, हमारे टाइम तो पागल थी, अब तो और मिस यूनिवर्स इंडिया आ गई होगी, तो दैट वॉज गोइंग ऑन। उह तो रामानुजाचार्य ने बोला धनुर्दास तुम क्या कर रहे हो, रंगनाथ जी की शोभा यात्रा निकल गई तुम यहाँ पे ऐसे, तो धनुर्दास ने ऐसा आंसर दिया, तो रामानुजाचार्य ने बोला, उस समय देखिए स्मार्टफोन मीडिया तो होता नहीं था, रामानुजाचार्य ने बोला धनुर्दास तुम ना मेरे पास आना शाम को रंगनाथ जी के मंदिर में, शाम की आरती में आना, है ना। धनुर्दास तैयार हो गया, तो धनुर्दास शाम को रामानुजाचार्य के साथ कहाँ गया, आरती में, रंगनाथ जी की आरती में, श्रीरंगम टेम्पल में। तब रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की, हे रंगनाथ जी, हे स्वामी, इस पे कृपा करिए और अपने सुंदर से नेत्रों का इसे दर्शन दीजिए। रंगनाथ जी ने अपने नेत्र खोले और इस धनुर्दास को दर्शन दिए, धनुर्दास को दर्शन लेते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो देख के सुंदर से रंगनाथ जी का स्वरूप देख के उसका हृदय पिघल गया और वो रोने लगा, उसे पश्चाताप होने लगा, मैं किस सुंदरता के पीछे पागल था, मुझे अब वास्तविक सुंदरता के दर्शन हो गए। और धनुर्दास रामानुजाचार्य के चरणों पे गिर गया और उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली और उनको अपना गुरु स्वीकार किया, तो इस तरह से धनुर्दास का भी उद्धार हो गया, राइट। तो ये स्टोरी है, इज इट नॉट। तो मतलब इस संसार की खूबसूरती जितनी ज़्यादा हमें आकर्षित करिए उतनी कम हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, जितना ज़्यादा हम भगवान की ओर आकर्षित हो रहे हैं उतना कम इस संसार की ओर आकर्षित होते हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मोर वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा लेसर वी आर अट्रैक्टेड टू दिस वर्ल्ड, एंड लेसर वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा मोर वी आर अट्रैक्टेड टू, ये आप खुद ही आप अनुभव करेंगे। आप देखिए जिस दिन माला अच्छी होगी ना आपका मन ही नहीं लगेगा सांसारिक चीज़ों में, ज़्यादा भगवान की सेवा में मन लगता है, तो ये है। तो धनुर्दास का इस तरह से रामानुजाचार्य ने कल्याण किया, तो ये देखा जाता है कि मतलब ये समस्या प्रेमी प्रेमिका की अभी नहीं है, अनादि काल से चल रही है, हजार साल पुरानी स्टोरी है, तो रामानुजाचार्य के शिष्य ने। ओके, तो इसमें आपको हम एक बात और बताएंगे इस श्लोक से संबंधित कि 64 गुण हैं हमारे रूप गोस्वामी ने क्लासीफाई किए हैं, गुण 64 हैं, तो इसमें हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग शुद्ध भक्त बनते हैं, तो हमारे अंदर कितने गुण आ जाते हैं, कैन यू टेल? हम लोग जीव हैं, वो भगवान है ना, हमारे अंदर गुण आएंगे भी वो माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, जैसे समुंदर से आप एक बाल्टी पानी निकालेंगे तो पानी का क्वालिटी तो सेम होगा बट क्वांटिटी में बहुत अंतर है, हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भी गुण होता है बट वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, तो 64 में से 50 गुण एक शुद्ध भक्त के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में, कितने गुण? 50। वो कृष्ण के अंदर पूर्णता में बट एक जीवात्मा के अंदर 50 गुण आ सकते हैं अगर वो शुद्ध भक्त है, तो वो हम आपको बताएंगे 50 गुण क्या है, वो हमारे अंदर आ सकते हैं अगर हम प्योर डिवोशन प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके ऊपर 5 ऐसे गुण और हैं जो कि ब्रह्मा जी तक मैनिफेस्ट होते हैं, शिव जी तक भी हो जाते हैं बट वो जीवात्मा में नहीं हो सकते, वो 5 गुण और भी हैं जो ब्रह्मा जी और शिव जी पे भी होते हैं बट जीव हम लोगों जीवात्माओं पे गुण नहीं है। उसके अलावा 5 गुण और भी ऐसे हैं जो विष्णु तक भी हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के पास भी नहीं है, तो विष्णु के पास कितने हो गए? 60। 50 प्लस 5 प्लस 5, राइट। अब 6 क्वालिटीज ऐसी हैं जो कृष्ण के पास ही हैं और किसी के पास विष्णु के पास भी नहीं है, तत्व में दोनों एक ही हैं विष्णु और कृष्ण, 4। यू गॉट द पॉइंट? आप समझे? देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समराइज करता हूँ, 50 क्वालिटीज हम सबके अंदर आ सकती है अगर हम प्योर डिवोशन के लेवल पे हैं, 50 क्वालिटीज आ सकती हैं 64 की हम बात करें, और 5 और क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर नहीं हो सकती जो ब्रह्मा और शिवजी तक हैं, और फिर विष्णु के पास भी 60 क्वालिटीज हैं, 4 नहीं है और कृष्ण के पास हैं 4। फॉर एग्जाम्पल विष्णु सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, जब वो एक्सेल करते हैं ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो सृष्टि की
क्रिएशन ब्रह्मांड प्रकट करते हैं विष्णु, तो वो क्वालिटी शिव जी और ब्रह्मा जी में नहीं, जीवात्मा में तो हो ही नहीं सकती। तो कृष्ण के पास 64 गुण हैं जिसमें 60 विष्णु के हैं, 4 एक्स्ट्रा हैं, वो 4 एक्स्ट्रा बताएंगे आपको। वो क्या है? वेणु माधुरी। विष्णु कभी वेणु नहीं बजाते। विष्णु क्या है? गैया को नहीं चराएंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, चुम्मी चाटी नहीं करेंगे। कृष्णा किस कर लेंगे? अपने भक्तों के साथ खेलेंगे, अपने कंधे पे बैठा के करेंगे, वो विष्णु नहीं करेंगे। विष्णु के साथ मर्यादा में पूजा होती है। हाँ, रासलीला। विष्णु लक्ष्मी छोड़ के नहीं कर रहे, और हो गया साथ रासलीला, वो कृष्ण का कॉपी राइट है। तो ऐसे 4 गुण है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी, वो कृष्ण के पास नहीं और किसी के पास नहीं है। ये आचार्यों ने व्याख्या की है माता जी। तो इस तरह से कृष्ण का रूप भी बहुत सुंदर है, कृष्ण लीला भी बड़ी सुंदर करते हैं। बाल लीलाएं विष्णु की नहीं आप सुनेंगे, कृष्ण की सुनेंगे। कि विष्णु कभी माखन नहीं चुराएंगे, विष्णु कभी गोपियों की मार नहीं खाएंगे, गोपियां कभी विष्णु को बांधेंगी नहीं ओखली से, कृष्ण करते। तो वो कृष्ण के गुण हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कृष्ण के 64 गुण हैं, विष्णु के 60 हैं, शिव ब्रह्मा जी तक 55 हैं, जीवात्मा के 50 हैं। ये 5 क्वालिटीज़ जो हैं ये ब्रह्मा जी और शिव जी में भी हैं, जीवात्मा के अंदर ये नहीं आ सकती। क्या है? चेंजलेस, ऑल नोइंग। हम लोग ऑल नोइंग ही हो सकते, राइट? एवर फ्रेश सच्चिदानंद, पोजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शंस। 8 सिद्धियां हम नहीं ले सकते। अभी से सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, डिटेल तो बाद में हम कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, विष्णु के पास ये 5 गुण और हैं जो कि ब्रह्मा और शिव जी के पास भी नहीं होते। अचिंत्य शक्ति विष्णु जी, दूसरा क्या है? बहुत सारे ब्रह्मांड जनरेट करते हैं विष्णु जी। विष्णु जी जब एक्सहेल करते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इनहेल करते हैं वही सारे ब्रह्मांड अंदर शरीर में। विष्णु जी मुक्ति दे देते हैं, है ना? इस तरह के गुण विष्णु के पास ही हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी के पास। मुक्त जीवात्माओं को भी विष्णु जी अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखिए, और कृष्ण के पास ये 4 गुण हैं जो किसी के पास नहीं है। लीला माधुरी, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, राइट? वंडरफुल, जैसे आपने बताया रास लीला। तभी देखिए क्या है, लक्ष्मी जी जो विष्णु की वाइफ हैं, वो वृंदावन में जाना चाहती हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, इसलिए वो बेलवन में तपस्या करती है कि मुझे कृष्ण की लीला में प्रवेश मिल जाए, उनकी भी कृष्ण की लीला में प्रवेश करने की इच्छा रहती है। ये हायर टॉपिक है थोड़ा, बट जैसे इसे वेरी सिंप्लीफाई करके हम आपको बता रहे हैं। प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, जैसे हमने मुरली के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, तो मुरली तो कृष्ण ही बजाते हैं ना, विष्णु नहीं बजाते। रूप माधुरी, भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतने ब्यूटीफुल हैं भगवान, हर प्रकार के जीवों को वो अट्रैक्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सौंदर्य किसी और के पास नहीं। तो ये 4 गुण हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कृष्ण के पास 64 गुण हैं। ये समझ में आ गया सबके? तो बेसिकली आइडिया क्या है कि हम आपको भगवान की क्वालिटीज़ जो हैं डिस्कस करेंगे, हम कुछ क्वालिटीज़ भगवान की हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। पहला क्वालिटी क्या है? कृष्णा के जो फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सुरम्यंग संस्कृत में बोलते हैं, ये इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बॉडीली फीचर्स। भगवान के ना जो है तुलना की गई है, चेहरे की तुलना की गई है चांद से, राइट? उनके हाथों की तुलना कर कमल बोलते हैं, कमल से की गई है। उनके नयन की तुलना भी कमल से की गई। आपने कमल का, लोटस का पेटल देखा? ऐसा होता है। भगवान की आंखें भी देखिए बिल्कुल ऐसी होती हैं, लाइक दिस, बिल्कुल कमल के पंख की तरह। कमल नयन, पद्म लोचन तभी बोलते हैं भगवान को, कमल नयन पद्म लोचन। घन श्याम, भगवान का जो सौंदर्य सुंदर शरीर है वो श्याम की तरह उसका वर्ण है, है ना? इवन कामदेव को भी कृष्ण आकर्षित करते हैं, राइट? तो दैट इज, ही इज हैविंग मोस्ट, ये क्वालिटी क्या है भगवान का? इज अ ब्यूटिफुल फीचर्स ऑफ द एंटायर बॉडी। शरीर इतना सुंदर है भगवान का, राइट? तो हमें मेडिटेट इसमें करना चाहिए, बट होता क्या है, चंदन सबदन चंचल तो वो हो जाता है हमारा मेडिटेशन, इस संसार की चीज़ों में हो जाता है। चंदन सा बदन तो बाबा इनका है, हर चीज़ इनसे आ रही है, बट वो डायरेक्शन हमें गलत मिल रही है। अगर वही ये मेडिटेशन इसमें करना सिखाया जाए, मैं सही बता रहा हूँ, संसार में समस्या खत्म हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन पे जो मेडिटेट करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा। ओके, तो ये याद रहेगा सबको, ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ द बॉडी कृष्णा के। और इवन हम कृष्णा के अंश हैं, तो जो सौंदर्य हमें संसार में दिखता भी है वो कृष्ण की वजह से ही है। जब तक आत्मा है शरीर में तब तक ये शरीर सुंदर है कि नहीं? क्योंकि आत्मा किसका अंश है? भगवान। जैसी आत्मा शरीर को छोड़ दिया, हम शरीर को निकालते हैं, घर से निकालो, अब तो तेरे भी नहीं मनाते, चौथे ही में करते हैं, निकाल दो, क्योंकि शरीर एकदम बेकार हो जाता है। तो ये शरीर की भी जो थोड़ी बहुत सुंदरता है वो भी कृष्ण की है, क्योंकि वो कृष्ण का ही सौंदर्य है।
है ना, तो ये है। तो अगला क्वालिटी है कृष्ण का, कृष्ण के शरीर में सारे शुभ चिन्ह हैं, सर्व लाल लक्षण युक्त। हमने क्लास में भी लिया था भगवान के चरणों में क्या क्या है, लोटस का साइन है, चक्र है, झंडा है, मछली है, थंडर बोल्ट है, राइट। तो ये सारे एलिफेंट का जो चैरियट है वो है, विक्ट्री के साइन है। ये हमने चरण चिन्ह पहले किए थे क्लास में डिस्कस एक बार। तो सारे शुभ चिन्ह है भगवान के चरणों में। तो जब भक्त लोग इन चरणों पे मेडिटेट करते हैं तो उनके सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। चरण में एक चिन्ह है छाते का, तो छाते पे जो मेडिटेट करेगा ना उसको रक्षा मिलती है संसार के जो है क्लेशों से, क्लेशों की जो बारिश हो रही है ना हमेशा, तीन क्लेशों की, आदि भौतिक आदि देवी अध्यात्मिक, उनकी जो वर्षा से उनको रक्षा मिलती है जो भगवान के चरणों पर मेडिटेट करते हैं। तो भगवान के जो है पूरे शरीर में सारे शुभ चिन्ह हैं। तो ये भी एक कृष्ण की क्वालिटी है। ये जीवात्मा के अंदर हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारे तो चिन्ह कैसे हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, पैर और हाथों में, वो भी हमें पता नहीं क्या है, कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता, क्या कर्म का फल हमें क्या आगे मिलने वाला है। तो हमारी तो कैसी अलग है। फिर भी कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं मैं भगवान हूँ या मैं भगवान बन जाऊंगा, कितनी बड़ी अज्ञानता है। एंड द थर्ड क्वालिटी इज एक्सट्रीमली प्लीजिंग। या कृष्णा का बॉडी ऐसा है कि वो सबके माइंड को क्या है, सेटिस्फाई कर देता है, बहुत संतुष्टि देता है। अगर आप वास्तव में ध्यानपूर्वक जब करेंगे और मेडिटेट करेंगे इन क्वालिटीज पे, यू विल सी दैट इतनी संतुष्टि तो कभी मिली नहीं, राइट। इतना कंटेंटमेंट मिलता है भगवान पे मेडिटेट करने पे, राइट। तो भगवान का जो शरीर है उसमें एट प्लेसेस ऐसी हैं जिनकी तुलना कमल से की गई है। आठ स्थान ऐसे हैं जिनकी तुलना किसे की गई है, कोई बताएगा वो कौन कौन से आठ स्थान है? आईज, नाभि, हैंड्स एंड फीट, राइट। तो एट हो गए, दो हाथ, दो चरण, नेवल, दो आईज एंड फेस, टोटल एट। तो एट प्लेसेस की तुलना भगवान की ना कमल से की गई है। अब आप देखिए जब हमारे विग्रह बनाए जाते हैं तो ऐसे नहीं है कुछ भी बना दिया विग्रह, जब इनके नेत्र बनाए जाते हैं बिल्कुल कमल की तरह बनाया जाता है। जो शिल्पकार होता है वो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से भगवान के विग्रह को कार्व करता है। भगवान के विग्रह को क्या करता है, कार्व करता है, शिल्पकार जो होता है। कई बार होता है हम लोग अपने सुबह उठते हैं पति का चेहरा देख के दिमाग खराब हो जाता है, इट्स नॉट सो डिस्गस्टिंग, सो अनप्लीजिंग, और शरीर मुंह से भी बदबू आती है और क्या क्या शरीर से होता है, उफ। कहते हैं ना फिल्म स्टार की खूबसूरती देखनी है तो वो जब वो रात को उठे ना बेड से तो आप देख लो कैसा दिखता है, वो असली खूबसूरती पता चल जाएगी फिल्म स्टार की, जिसके पीछे हम पागल होते हैं। तो मतलब ये संसार में ये सब है नहीं, बट लोगों को इसके लिए हैंकरिंग है, वो हैंकरिंग सही जगह रखनी चाहिए इनके लिए, तो हमेशा मंगल हो जाएगा। हम लोगों का तो सौभाग्य मंदिर में उठते ही सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, चित्त एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, सुबह उठ के हम नहीं आ सकते मंदिर तो टेलीविजन में मंगल आरती करें, भगवान के दर्शन करें, है ना, तो मंगल होगा। नहीं तो एक दूसरे के दर्शन करके तो बहुत ही तो कृष्णा का ये तीसरा क्वालिटी उनके, ही इज़ वेरी प्लीजिंग, है ना। तभी देखिए मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगता है भगवान के दर्शन कर, वेरी प्लीजिंग। एक और क्वालिटी चलते हैं, कृष्णा इज वेरी तेजस्वित, तेजस्वित एफलजेंट, भगवान के शरीर से बहुत तेज निकलता है, ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलती है, इतना तेज निकलता है सैकड़ों सूर्य के बराबर। सूर्य जो प्रकाश हमें देता है वो भी भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश ही रिफ्लेक्ट करता है, इतना तेज, इतना तेज। तो भगवान का एक ये भी गुण है जो जीवात्मा के अंदर नहीं हो सकता, होगा भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। हम कहते हैं प्रभु जी आपके चेहरे से बड़ा तेज आ रहा है, नहीं बड़े सुंदर, वो भगवान के तो गुण है। तो इस तरह से तो तेजस्वी हैं भगवान, तेज एफलजेंट, राइट। आगे चले, कृष्णा इज वेरी स्ट्रांग, बलियान, बलियान, राइट। आपको ये तो पता ही है भगवान जब कुछ महीने के ही थे तो उन्होंने पूतना को मारा, जो 12 किलोमीटर लंबी चुड़ैल थी, और भगवान को गोकुल में मारने आई थी। भगवान जब 7 साल के थे तो उन्होंने पिंकी फिंगर से गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात, यानी कितनी शक्ति है भगवान की। तो भगवान इज ऑलवेज मोस्ट पावरफुल, राइट। इस सृष्टि को संभाल रहे हैं भगवान, स्ट्रेंथ ये पावर। भगवान ने अरिस्तासुर को भी मारा था, जो अरिस्तासुर एक असुर था बुल के शेप में और पहाड़ जितना शक्तिशाली था, भगवान ने उसको भी, जैसे रुई को उठा के फेंकते हैं ना, भगवान ने उसको ऐसे उठा के फेंक दिया था, सो पावरफुल। तो कृष्णा इज वेरी स्ट्रांग। सो ये क्वालिटी से ऐसे प्रभु का हम नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
एक और क्वालिटी, कृष्णा इज एवर यूथफुल। भगवान ने आपको, आपने सुना नहीं होगा भगवान बूढ़े हो गए या दाढ़ी निकल गई या मूछ निकल गई, नहीं, कृष्णा बाल अवस्था, युवा अवस्था, यू नो चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ। भगवान की जो किशोर अवस्था है ना गोलोक में, किशोर अवस्था जो होती है भगवान की, मैक्सिमम जो होती है वो भगवान की, जो गोलोक धाम में एज है वो पता है आपको क्या है? भगवान गोलोक धाम में जो किशोर अवस्था है उनकी 15 साल 9 महीने 7.5 दिन 15 साल 9 महीने 7.5 दिन भगवान की किशोर अवस्था है गोलोक धाम में। उसी अवस्था में भगवान नित्य रहते हैं और लीला करते हैं, चेंज नहीं होता उनका शरीर। हमारा शरीर तो बदल रहा है ना, बट भगवान का शरीर नहीं बदलता, नित्य एवर फ्रेश। दैट इज ही इज एवर यूथफुल, हमेशा जवान। भगवान पृथ्वी में 125 साल लीला किए, बट 125 साल का बूढ़ा आदमी कैसा होता है, बट भगवान तो एवर यूथफुल। तो इसलिए, और जो राधा रानी का एज है वो गोलोक धाम में 14 साल 2 महीने 15 दिन, राइट? तो वो राधा रानी का एज है, एवर यूथफुल। आप विश्वास नहीं कहेंगे, इसी प्रकार से हम सबका भी एक एज है, एक 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 क्या बोलेंगे, स्वरूप है भगवान के धाम में, जिसमें हम नित्य सेवा भगवान की करते हैं। और वो स्वरूप हमें कैसे पता चलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम। तो वो हमारी इटर्नल पोजीशन है, तो वो लक्ष्य है ना, वो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। ओके, तो कृष्णा इज एवर यूथफुल। यहाँ तक समझ में आ गया? इज इट नॉट इंटरेस्टिंग भगवान के गुण कितने इंपॉर्टेंट है? हमारा अट्रैक्शन बढ़ेगा भगवान से अगर हम ये गुण समझेंगे तो। अगला क्वालिटी क्या है? ये बहुत प्यारा गुण है, लिंग्विस्टिक। कृष्णा विविध अद्भुत भाषविद। भगवान अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भगवान गोपियों से कौन सी भाषा बोलते हैं? ब्रज भाषा बड़ी मीठी होती है मुझे तो आती नहीं है बोली, बट इट्स वेरी स्वीट। भगवान देवताओं से कैसी भाषा बोलते हैं? देवनागरी, संस्कृत। भगवान ने गीता कौन सी भाषा में बोली? भगवान जानवरों से भी कम्युनिकेट करते हैं उनकी भाषा में, पक्षियों से भी, मोर की आवाज़, पीकॉक की आवाज़ निकालते हैं, बंदरों से भी कम्युनिकेट करते हैं, उनको माखन बांट रहे हैं। तो कृष्णा इज अ मोस्ट वंडरफुल लिंग्विस्टिक, सभी भाषा जानते हैं और हम सबसे भी बात करते हैं, हम सबकी मन की बात भगवान जानते हैं। कृष्णा नोज एवरीथिंग, चाइनीज है, चाइनीज भाषा भी कृष्णा जानते हैं, ही नोज। तो ही इज अ वंडरफुल लिंग्विस्टिक। एवरी लिविंग एंटिटी इन द यूनिवर्स ही कैन टॉक विद कृष्णा, दैट इज वाई कृष्णा इज वंडरफुल लिंग्विस्टिक। कृष्णा इज सत्य वाक्य। सत्य वाक्य मतलब क्या है? कृष्णा ने कुंती को वादा किया था कि महाभारत के युद्ध के बाद आपके पांचों जो पांडव हैं वो मैं वापस, कृष्णा इज ट्रूथफुल, अपने वादा को। कृष्णा ने अर्जुन को बोला मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, भगवान ने अपने वादा को, भगवान गीता में बोलते हैं जो भी गीता क्लास में रेगुलर आएगा हरी नाम करेगा उसको मैं रक्षा प्रदान करूंगा, ना मैं भक्त अपनिष्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम बोल्डली डिक्लेयर कर दो मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो माला करते हैं, जो भगवान का जो नियमों का पालन करते हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, हमें निडर होना चाहिए। तो भगवान इज ऑलवेज ट्रूथफुल, यानी बोल के हट गए अपनी बात से। तो कुंती महारानी बोलती है कि एक बार सूरज की जो रोशनी है वो ठंडी हो सकती है, चांद का प्रकाश भी गर्म हो सकता है, बट कृष्ण का वादा कभी फेल नहीं हो सकता। दैट इज ही इज कृष्णा इज ट्रूथफुल। आजकल क्या है बोलते हैं, प्रोमिसेज आर मेड टू बी ब्रोकन। आजकल के वादा अगर कोई निभा ले तो बहुत बड़ी बात है, उल्टा है आजकल, नहीं? तो वी शुड वर्शिप द गॉड हु इज ऑल्सो ट्रूथफुल, ही इज सो लविंग केयरिंग एंड ट्रूथफुल, राइट? तो इनके वादे इन्होंने बहुत सारे किए हैं गीता में, तो हमें फेथ होना चाहिए, कृष्णा विल नॉट लीव अस, और भगवान अपना वादा निभाएंगे। और जब हमें नीड होगी एट द टाइम ऑफ डेथ व्हेन नो वन इज विद अस, जब हम कोमा में होंगे कहाँ होंगे, देन कृष्णा विल डेफिनेटली कम एंड विल प्रोटेक्ट अस। व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा कृष्णा, राइट? ट्रूथफुल। नाइन्थ क्वालिटी, कृष्णा बहुत मीठा बोलते हैं, एक्सट्रीमली मीठा। कृष्णा तो छोड़िए, मतलब उनके जो शुद्ध भक्त हैं इतना मीठा बोलते हैं, वो जो कुछ बोल दें वो तो आदमी सामने वाला बिक जाता है। हमारे सच्चिदानंद महाराज आते, कोई था यहाँ पे याद है किसी को, कितना मीठा बोलते हैं महाराज। अमोघ लीला प्रभु क्यों सुपर हिट है, कितना मीठा बोलते हैं, हंसा हंसा के ही वो इंजेक्शन दे देते हैं, नहीं अमोघ लीला प्रभु। तो डिवोटीज आर सो स्वीट टॉकर, देन कृष्णा ऑल्सो, ये क्वालिटी कृष्णा है, ही टॉक्स वेरी प्लीजिंगली, प्रियम वाद। और आपको याद है स्टोरी हमने बताई थी, भृगु ने लात मारी भगवान की छाती पे,
भगवान कितना मीठा उससे बोल रहे हैं, तुम्हारे मेरा छाती पत्थर की तरह है, तुम्हारे चरण जो है कमल की तरह है, उसको चोट तो नहीं लगी, मुझे अलाउ करो मैं उसको मसाज कर दे। कितने मीठे तरीके से बोल रहे हैं। गीता कितनी मीठी है, इट इज़ अ भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ गीत, इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ गॉड, सो स्वीट। गीता आप रिसाइट करेंगे आप भी स्वीट हो जाएंगे, सो स्वीट। गोवर्धन पूजा जब इंद्रदेव की पूजा भगवान को बंद करवानी थी ब्रज में, तो भगवान ने नंद बाबा से रिक्वेस्ट की थी और इतने मीठे तरीके से उनको कन्विंस किया, उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर और गोवर्धन की पूजा शुरू की। तो कृष्णा इज अमेजिंगली स्वीट, ही इज अ प्लीजर टॉकर, राइट। आजकल के समाज में 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इम्पोलाइट स्पीच, कड़वी वाणी की वजह से 90% प्रॉब्लम है समाज में। तो कोई कृष्ण की शेल्टर लेता है तो ये गुण उसके अंदर कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में तो आ ही जाता है और वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। तो भगवान भी गीता में बोलते हैं वाणी कैसी होनी चाहिए, अनुद्वेत कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, अनु दूसरे को एजिटेट ना करे वो वाणी सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो वाणी अपने आप ही मीठी हो जाएगी भगवान की शरण लेने से, राइट। ओके, 9 हो गया, 10 चले। कृष्णा इज ऑल्सो वेरी फ्लुएंट, वाह वाह दुख। फ्लुएंट का मतलब क्या है, भगवान जो भी बोलते हैं बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स होता है, बहुत पोलाइट होता है और उनके एक शब्द में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे हमें लगते हैं ना गीता जितनी बार पढ़ेंगे प्रभु जी नया नया अनुभव होता है, क्यों, गीता में हर शब्द के कई सारे, दैट इज फ्लुएंसी, दैट इज स्पीकिंग टू द पॉइंट, लिमिटेड वर्ड टू वर्ड और मीनिंगफुल वर्ड्स। तो वो ये गुण भगवान का होता है। भगवान लंबा नहीं बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। भगवान ने संसार को ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, दो शब्दों में संसार बता दिया, दो शब्दों में संसार के बारे में भगवान ने गीता में बता दिया। वो क्या है दो शब्द, दुखालयम और संसार। ये संसार दुख का घर है। अब दुखों के डिटेल नहीं दिए भगवान ने, इसी में आप समझ जाओ क्या क्या दुख है। डिटेल क्या देंगे, जो दुख है वो दुखी है। और फिर क्या है, अगर कोई सोचे कि दुख है तो ठीक है हम तो खुश हैं हम तो रह लेंगे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम रह भी नहीं पाओगे क्योंकि ये क्या है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। अगर तुम GK3 में भी रह रहे हो या कहीं सिविल लाइन्स में भी रह रहे हो, वहाँ पे भी लंबा वो फ्लैट भी छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि अशाश्वतम है, टेम्परेरी, दुखालय अशाश्वतम। तो भगवान जो समझ गए, आप लोग मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं, टू द पॉइंट्स बोलते हैं और उनका लंबा स्पीच नहीं होता। तो भगवान का जो है, जो वर्ड्स हैं, इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द होल वर्ल्ड। भगवान की जो वाणी है अगर वो फॉलो करें, इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। भगवद गीता अगर कोई पूरी दुनिया फॉलो करे, दे एक्सेप्ट कृष्णा, इट कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। और अभी भी हम भगवान की वाणी सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं कौन बताएगा, संकीर्तन भगवद गीता श्रीमद् भागवतम। कृष्णा इज हाईली लर्नेड सुपंडित। देखिए हाईली लर्नेड मतलब हमारे आचार्य लोग बताते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड हो, एंड ही ऑल्सो एक्ट्स स्ट्रिक्टली टू मॉरल कोड्स, है ना, नैतिकता के आधार पर जिसका जीवन हो और पढ़ा लिखा भी हो, ही इज सुपंडित, ही इज हाईली लर्नेड। जैसे ओसामा बिन लादेन, वो भी बीटेक था, वो भी लर्नेड था, बट वो सुपंडित होगा नहीं, उसने अपनी एजुकेशन गलत जगह लगाई। आजकल इतने सारे लोग उग्र कर्म कर रहे हैं, एजुकेशन का यूज गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुपंडित मतलब क्या है, ही इज हाईली एजुकेटेड, एट द सेम टाइम ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू मॉरल प्रिंसिपल्स, ही सुपंडित हाईली लर्नेड। कृष्णा इज ओमनीसेंट, ही नोस एवरीथिंग, हर भगवान हर चीज जानते हैं। सो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रकट की, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान किससे लिया, भगवान से लिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दिया, उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो कृष्णा से ही सब कुछ आ रहा है, हाईली लर्नेड, राइट, क्लियर हो गया। ओके, एंड देन कृष्णा इज हाईली इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बुद्धिमान। कृष्णा ने संदीपानी मुनि के आश्रम में ट्रेनिंग ली, 64 कलाएं 64 दिनों में सीख ली और परफेक्टली सीख ली। हालांकि कृष्णा गॉड, उनको कुछ जरूरत नहीं है सीखने की, बट लीला में उन्होंने 64 कलाएं 64 दिन में सब कुछ सीख, सो ही सो हाईली इंटेलिजेंट। हमें एक कला, संसार में एक कला का थोड़ा सा गुण किसी के अंदर होता है तो वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। कोई अगर मान लीजिए अच्छा सिंगर है, वो एक कला है सिंगिंग, तो वो किसी को मिल जाती है, वो लता मंगेशकर बन जाता है।
बट भगवान के अंदर 64 कलाएं पूर्णता में और 64 दिनों में सीख ली। एक कला सीखने में ढाई साल लगता है, वो भी अगर भाग्यशाली है तो वो सीख पाता है। और देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा ने बोला आई एम इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। कृष्णा ने द्वारका धाम रातों रात बना दिया। जब अटैक होने वाला था जरासंध का, तो उन्होंने मथुरा से सारे मथुरा वासियों को शिफ्ट किया द्वारका में, और द्वारका एकदम सुंदर से महल बना दिया, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। किसी ने सोचा भगवान कितने, देखिए हमारे आचार्यों की कितनी बड़ी कृपा है, उन्होंने ग्रंथों को इतने सरल तरीके से दिया है, कितना कुछ मेहनत की उन्होंने आचार्यों ने, कितना सरल तरीके से दिया भगवान को, ताकि हम समझ पाए। क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं समझेंगे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जन्म कर्म चामे देव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम दोने जन्म नैति मामेति स्वार्जुना। भगवान बोलते हैं जो मेरे जन्म कर्मों को जानता है वही संसार से मुक्त होकर मेरे धाम में आ सकता है। ही इज हाईली इंटेलिजेंट। ओके आई विल क्विकली गो टू सम मोर पॉइंट्स। अ जीनियस कृष्णा इज वेरी प्रतिभावित, ही इज वेरी प्रतिभाव। कृष्णा इज वेरी जीनियस। जीनियस का यहाँ पे मतलब है ही कैन रिफ्यूट एनी आर्ग्यूमेंट, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट विद अ न्यूअर आर्ग्यूमेंट। मतलब एक होता है ना डिबेट, डिबेट में हमेशा भगवान जीतेंगे, और वो जो आर्ग्यूमेंट देंगे वो ऑलवेज फ्रेश होगा, ऑलवेज नया होगा, बिकॉज ही इज वेरी जीनियस। चैतन्य महाप्रभु के पास उस समय सबसे बड़ा विद्वान केशव कश्मीरी पंडित एक था, जो पूरे भारत में भ्रमण किया था, और उसके पास सर्टिफिकेट था ही इज द बेस्ट स्कॉलर ऑफ द एंटायर भारतवर्ष। तो वो उसने सुना था निमाई पंडित जो है नदिया में बहुत बड़ा विद्वान है, उसको मैं और परास कर दूंगा तो मेरी ख्याति और बढ़ जाएगी। तो वो नवदीप आ गया निमाई पंडित से शास्त्रार्थ करने के, और निमाई पंडित ने जो कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने केशव कश्मीरी को क्या किया, परास कर दिया, डिबेट में हरा दिया। तो दैट इज कृष्णा इज जीनियस। ओके एंड देन कृष्णा इज आर्टिस्टिक विदग्ध। देखिए आप देखिए भरतनाट्यम म्यूजिक कल्चर सब भगवान से ही है, भगवान को ही। हेमा मालिनी डांस करती है भगवान के ही लीलाओं पे, भगवान की कलाओं पे डांस होता है, बिकॉज अल्टीमेटली आर्टिस्टिक कौन है, म्यूजिक भगवान की मुरली से ही सारे गामा एंड सो ऑन सारा है, राइट। तो डांस भी भगवान ने कालिया नाग पे जो नृत्य किया है उफ कितना सुंदर नृत्य भी भगवान कहाँ करते हैं सोचिए। भगवान ने गीत बोल दिया वो भी म्यूजिक है, भगवत गीता 5000 साल पहले बोला और 5000 साल बाद हम सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। आर्टिस्टिक मतलब क्या है, भगवान बात भी अच्छी करते हैं और ड्रेस भी आर्टिस्टिकली करते हैं, है ना। तो देख भगवान कहते नहीं हम प्रभु जी आज का श्रृंगार बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान ड्रेस भी बहुत अच्छे से करते हैं। दैट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ कृष्णा। एक्चुअली माता जी शास्त्रों में बताया हुआ है भगवान इतने ज़्यादा सुंदर है ना, अगर उनको कोई ऑर्नामेंट से शोभा उनका श्रृंगार किया जाए तो भगवान उस ऑर्नामेंट की शोभा बढ़ा देते हैं, इतने ज़्यादा सुंदर हैं भगवान। ऑर्नामेंट आभूषण को भी और ज़्यादा भूषित कर देते हैं, और ज़्यादा उसकी शोभा बढ़ा देते हैं, वो आभूषण भगवान के लगता है। अभी आप देखिए पीछे देखिए वो फोटो, ये मंगल आरती का दर्शन है ठाकुर जी का, इसमें इनका श्रृंगार हुआ ही नहीं है, बट इतने सुंदर हैं इसमें भी, कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। मंगल आरती में श्रृंगार नहीं होता, श्रृंगार बाद में होता है, श्रृंगार आरती 7:30 बजे होती है, मंगल आरती में श्रृंगार नहीं होता। इसमें भी इतने सुंदर लगते हैं, भगवान का अंग इतना सुंदर है, हर चीज़ को इतने दिव्य है भगवान की। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए हे ठाकुर जी, जितना हमारा आकर्षण इस संसार से है, इस संसार की बातों से है, उतना ही आकर्षण हमारा किससे हो जाए, आपसे हो जाए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। ओके फटाफट आगे चलते, टुडे वी विल कवर 18 क्वालिटीज। कितनी क्वालिटीज, 18, 14 हो गया, चलिए 15। कृष्णा इज एक्सट्रीमली क्लेवर, बहुत चतुर है भगवान। क्लेवर मतलब चतुर, मतलब यहाँ पे चतुर का मतलब यह है, इस संसार में चतुराई को तो नेगेटिव देखा जाता है, चतुर मतलब आचार्य बताते हैं भगवान एक समय में कई सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे कि भगवान जब गैया चराने जाते थे तो अपने ग्वाल वाल जो थे उनका भी एंटरटेनमेंट कराते थे, उनको भी साथ भी खेलते कूदते थे, उनके साथ भी जोक करते थे, और जब गैया चराने जाते थे तो पृथ्वी का वो भी शोभा बढ़ा देते थे, अपने चरण कमल उस पर रख के, तो पृथ्वी भी प्रफुल्लित हो जाती थी, भगवान के सुंदर चरण कमल मेरे ऊपर पड़ गए और पृथ्वी की भी शोभा बढ़ गई। भगवान गाय भी चढ़ा रहे हैं, अपने ग्वाल वालों के साथ खेल भी रहे हैं, जोक भी कर रहे हैं, पृथ्वी की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, गैया को सुख भी दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भगवान उसी समय, भगवान गोपियों से भी, गोपियों के विरह को भी बढ़ा रहे हैं और गोपियों को भी आकर्षित कर रहे हैं।
कई समय में, एक समय में कई काम, और इस संसार को भी तो चला ही रहे हैं भगवान. दैट इज गॉड, दैट इज कृष्णा. एक्चुअली अचिंत्य है, समझना बहुत मुश्किल है. भगवान ये सब, ये दैट इज वाई ही इज गॉड. तो जब हम ये समझेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे, तो क्या होगा, हमारा फेथ भगवान से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमारा आकर्षण बढ़ेगा. वही जीवन का लक्ष्य है, वो हमें चाहिए. नहीं तो आकर्षण जब तक भगवान से नहीं बढ़ा है, तो हमारा मानव जीवन सफल नहीं है. ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर. कृष्णा इज दक्ष, ही इज वेरी एक्सपर्ट, है ना. आपने देखा महाभारत के युद्ध में, सामने से हजारों बाण आ रहे हैं, अर्जुन पीछे है, भगवान रथ चला रहे हैं, कैसे बाणों से बच रहे हैं, रथ को निकालना है, कितनी दक्षता चाहिए सोचिए आप. अर्जुन की रक्षा करनी है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए. करोड़ों सोल्जर्स थे सामने, महारथी, अतिरथी, अर्धरथी, कई सारे थे दूसरी साइड, नारायणी सेना थी दूसरी साइड, और हर तरह का आक्रमण हो रहा था, क्योंकि सबको टारगेट किसको करना था, अर्जुन को. और युद्ध के बाद जब भगवान ने रथ को छोड़ा, रथ में क्या हो गया, एकदम ब्लास्ट हो गया, क्योंकि भगवान थे तभी रक्षा थी. भगवान थे तभी रक्षा थी. प्रभुपाद कहते हैं ये आंदोलन तभी तक चलेगा जब तक यहाँ पे पवित्रता बनाई रखी जाएगी. ये आंदोलन, अगर आपने पवित्रता का पालन नहीं किया, ये हरे कृष्ण आंदोलन चलने वाला नहीं है. पवित्रता ही हमारी शक्ति है, प्रभुपाद जी बोलते थे, चार नियम, 16 माला 25 माला एकादशी. तो ये जब तक होगा तो पवित्र होगी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो यहाँ पे, ये चलेगा तो होगा, नहीं तो आंदोलन रुक जाएगा. तो कृष्णा इज वेरी एक्सपर्ट. भगवान ने गोवर्धन हिल उठे, रासलीला में करोड़ों गोपियों के साथ विस्तार कर लिया तुरंत. हर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसी के साथ है, राइट. तो ये भी भगवान की क्या है, दक्षता है. फिर क्या है भगवान का, एक और लास्ट टू क्वालिटीज जो हम आज के लिए करेंगे. कृष्णा इज वेरी ग्रेटफुल, कृतज्ञ. मतलब वो कभी नहीं बोलेंगे कि आज आपने एक घंटा आके उनके बारे में सुना, कभी नहीं बोलेंगे. इज ऑलवेज ग्रेटफुल. आपने एक फूल भगवान को दे दिया, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट. भगवान आपको गार्डन के गार्डन दे देंगे, सीरियसली. फल लेने वाली आई थी वृंदावन में, उसने निस्वार्थ भाव से कुछ फल दे दिए कृष्ण को, कृष्ण ने उसकी टोकरी को ज्वेल से भर दिया. कृष्णा इज सो ग्रेटफुल. इवन सोचो जो बाहर के लोग हैं जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, भगवान उनको भी सब कुछ दे रहे हैं. देन वॉट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज. तो ऐसे प्रभु का, ऐसे प्रभु की भक्ति भक्ति हम लोग कर रहे हैं, राइट. तो कृष्णा इज सो ग्रेटफुल. एंड लास्ट क्वालिटी फॉर द टुडे इज, कृष्णा इज फर्मली डिटरमाइंड. इट मींस दैट जो अपने वादे को हमेशा रखते हैं, है ना, और उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, राइट. जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, है ना. हाँ, सत्यभामा को भी प्रॉमिस किया था भगवान ने, और सत्यभामा के लिए परिजाता पुष्प भगवान स्वर्ग से लेके आए थे. तो भगवान जो है अपने वादे को हमेशा, प्रॉमिस को करते हैं, और उसके हिसाब से उसको पालन करते हैं.